इस चैनल पर दी गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रमाणित है और आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों के अनुसार है, अतः आप इन जानकारियों पर निसंदेह भरोसा कर सकते हैं। क्या आपने कभी केवाच के बारे में सुना है? इस पौधे को कई जगह अलकुसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये पौधा भी कई तरह के आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के काम में आता है। इस पौधे का एक भाग ऐसा है जिसे छूने से ही आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और वो भाग है केवाच के फल। केवाच के फलों में छोटे छोटे रोएं होते हैं जिसके शरीर पर लग जाने पर ही खुजली शुरू हो जाती है, और इसकी खुजली ऐसी होती है कि जल्दी हटती भी नहीं है। अगर आपके आसपास ये पौधा हो और उस पर फल लगे हों तो उससे बचकर ही रहिएगा। इस पौधे की खास बात यह है कि जो रोएं खुजली पैदा करती हैं वही रोएं दवा बनाने के भी काम में आती हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको केवाच के बारे में बताऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इस वीडियो को देखकर जानें कैसा है केवाच का स्वरूप, क्या है इसके गुण, क्या है इसके कर्म, क्या है इसके प्रयोग, कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसके किस भाग को हम इस्तेमाल करते हैं और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, किन विशिष्ट योगों में ये पाए जाते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिव इन आयुर्वेदा। अगर आपको पेड़ पौधों में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके हर एक वीडियो में मैं एक अलग पेड़ या पौधे के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं हर पेड़ पौधे के ऊपर वीडियो बनाता हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। तो आप पेड़ पौधों को जानने में अगर इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल नेम को टच करके आप वीडियो सेक्शन पर चले जाइए, और वीडियो सेक्शन में जाके आप मेरे और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। केवाच का पौधा भारत में ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाया जाता है, जहाँ का वातावरण दूसरे जगहों के मुकाबले ज़्यादा गर्म है। केवाच का पौधा एक लता है जो कि वर्षा ऋतु में उगता है। केवाच के पत्ते तीन तीन के समूह में पाए जाते हैं, जिसमें अगला पत्ता बड़ा होता है और पीछे के दो पत्ते छोटे होते हैं। सितंबर से नवंबर महीने के बीच में केवाच के फूल देखने को मिलते हैं जो कि गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। फूल निकलने के बाद जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में केवाच के फल लगते हैं। ये फल दिखने में कच्ची अवस्था में हरे होते हैं और पकने पर भूरे हो जाते हैं। पूरा फल रोओं से युक्त होता है। इन फलों को शिंबी कहते हैं, जो 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। इस फल के दोनों सिरे विपरीत दिशा में मुड़े होते हैं। हर एक फल में 5 से 6 काले और चमकीले बीज पाए जाते हैं। ये बीज हल्के चपटे और अंडाकार होते हैं। केवाच का लैटिन नेम है म्यूकुना प्रूरिटा और फैमिली लेग्यूमिनेसी। आचार्य चरक ने इसे बल्य और मधुर स्कंद के गण में रखा है। केवाच को कई और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कपिकच्छू। रोम शरीर पर लगने पर खुजली होती है इसके कारण। आत्मगुप्ता, रोमों से स्वयं को सुरक्षित रखता है ये पौधा। मरकटी, बंदर के जैसा रोमयुक्त फल होने के कारण। कंडूरा, खुजली उत्पन्न करने के कारण। शुक शिंबी, शुक युक्त शिंबी होने के कारण। अब जानिए उन केमिकल कंपोनेंट्स को जिसके वजह से यह पौधा एक दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ग्लूटाथायोन, लेजिथिन, गैलिक एसिड, ग्लूकोसाइड, निकोटीन और प्रूरियामिन पाया जाता है। अब देखिए कि आयुर्वेद में केवाच के क्या गुण बताए गए हैं। इसके गुण हैं गुरु स्निग्ध, रस इसका मधुर और तिक्त है, वीर इसका उष्ण है और विपाक मधुर। अब देखिए क्या है इसके कर्म। यह कफवात शामक है, पित्तवर्धक है, खुजली उत्पन्न करता है यह, बल्य, कृमिघ्न, वृष्य, आर्तव जनन और मूत्रल है। अब जानिए किन किन डिजीज या रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। इसे वातज विकार में, नाड़ी दौर्बल्य, गंडोपद कृमि, क्लैव्य, कष्टार्तव, मूत्रकृच, दौर्बल्य और कृष्ठता में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस पौधे में अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। अगर रिसर्च हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि और भी कई प्रयोगों के बारे में पता चलेगा।
केवाच के बीज, मूल और रोम को दवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केवाच की मात्रा है बीज चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, मूल क्वाथ 10 से 50 ml और रोम 125 मिलीग्राम। केवाच से बनी हुई कुछ दवाएं जो आपको आयुर्वेद फार्मेसी में खरीदने को मिल सकती हैं, जैसे वानरी गुटिका और माश बलादी पाचन। अब मैं आपको बताऊंगा कि केवाच का उपयोग आप अपने घर में किन किन अवस्थाओं में कर सकते हैं। यदि शरीर में राउंड वर्म्स या गंडूपत कृमि उत्पन्न हो गया हो तो उनको मारने के लिए 125 ग्राम फल रोम को गुड़, मधु या मक्खन में मिलाकर खिलाते हैं और फिर विरेचन करवा देते हैं। इससे कृमि मरकर बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ही पतले दुबले हों और दुर्बल हों, वो लोग अपनी शक्ति और वजन को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अवस्था में केवाच के बीज का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो का कोई भाग अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाके पूछ लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के बीच में दिए गए लिंक पर जाके अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरी दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखें जिनका लिंक अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।